नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। प्रसिद्ध कवि कैलाश गौतम की एक मशहूर कविता है अमौसा का मेला, जिसकी चंद पंक्तियां आज भी महंगाई पर उतनी ही सटीक हैं जितनी 80 के दशक में हुआ करती थीं। केहू साल स्वेटर दुसाला मुलावे, केहू बस अटैची के ताला मुलावे, केहू चायदानी पियाला मुलावे, सुठौरा के केहू मसाला मुलावे, भैया बेचारू जोड़त हुए खर्चा, भुलैले न भूले पकौड़ी का मिर्चा, बहनिया के गौना मसहरी के चिंता, अमौसा का मेला अमौसा का मेला। जी हाँ, शायद आपको याद हो कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल के 4.5 साल पूरे होने पर भाजपा के सांसद साची महाराज से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने कहा था कि आपको तेल सब्जी महंगा दिखाई दे रहा है, कभी शराब मीट की दुकान पर पूछा इतना महंगा क्यों हो गया है? जिस पर साची महाराज सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से तब ट्रोल भी हुए थे। महंगाई रोज बरोज नए नए तरीके से आम आदमी के जेब और मोदी सर के डिजिटल इंडिया वाले मोबाइल पर हमला तो करती है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता या पढ़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि महंगाई का गणित बनाने वालों ने राष्ट्रवाद, अमृतकाल, भारत इंडिया और ऐसे ही ना जाने कितने शब्दों के जालों में सिर्फ आम आदमी को फंसाने की कला सीख ली है। खाने पीने की चीजों समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों की कमर तोड़ महंगाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। लेकिन शिक्षा पर होने वाले खर्च में बढ़ोतरी के साथ बीमारियों के सीजन में सेहत पर बढ़ता खर्चा भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आलम यह है कि शाकाहारी थाली 24.25% महंगी हो चुकी है। कुल मिलाकर महंगाई आम आदमी के सिर चढ़कर बोलने लगी है। SBI लाइफ इंश्योरेंस के फाइनेंशियल इम्यूनिटी स्टडी के मुताबिक देश में 69% लोग बढ़ती खाद महंगाई से परेशान हैं, जिसमें दाल, मसाले और सब्जियों के बढ़े दाम से सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ी है। वहीं 43% लोगों ने माना कि रोजाना खपत वाली चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी इनकी चिंता की अहम वजह है। इस सबसे इतर शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च में इजाफे ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 36% लोगों ने बढ़ते स्वास्थ्य खर्च, 35% ने शिक्षा के खर्च में इजाफा को चिंता का कारण बताया है, क्योंकि शिक्षा की महंगाई हर साल 11-12% की दर से बढ़ रही है। वहीं इलाज हर साल 14% महंगा हो रहा है। 24% लोगों ने खराब मेंटल हालात और अपने फिजिकल हेल्थ स्टेटस को लेकर चिंता जताई है, जबकि 23% लोगों को नौकरी खोने का डर है और 19% लोगों ने कहा कि उनके पास ना तो पर्याप्त लाइफ और ना ही हेल्थ इंश्योरेंस कवर है। जून 2023 में इस सर्वे को पूरा किया गया है। वहीं दूसरी ओर मनी कंट्रोल के मुताबिक SBI लाइफ इंश्योरेंस ने यह स्टडी डेलाइट इंडिया के साथ मिलकर किया है, जिसमें देश के 41 शहरों के 5000 लोगों से सवाल जवाब किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों से बात की गई है, उन्होंने माना कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। सर्वे में भाग लेने वालों ने कहा कि सालाना इनकम का 52% लोग अपने वित्तीय सेहत को मजबूत करने पर खर्च कर रहे हैं, जिसमें से 17% सेविंग, 11% लाइफ इंश्योरेंस और 8% लाइफ इंश्योरेंस पर खर्च कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक वित्तीय सेहत को मजबूत करने के लिए और वित्तीय अनिश्चितता से निपटने के लिए 49% अपने खर्च को बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। 41% इनकम से दूसरे सोर्स को क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह रेटिंग फर्म क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2022 की तुलना में अगस्त 2023 में शाकाहारी थाली की कीमत 24.26% बढ़कर 33.8 रुपये हो गई। वहीं मांसाहारी थाली की कीमत 12.54% बढ़कर 67.3 रुपये हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका मतलब यह है कि 5 लोगों के परिवार में एक दिन में दोपहर के भोजन या रात के खाने के लिए शाकाहारी थाली तैयार करने के लिए 33 रुपये और मांसाहारी थाली के लिए 75 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। यदि दोपहर और रात दोनों वक्त के लिए खाना तैयार करना हो तो 5 सदस्यों वाले परिवार को प्रतिमाह अतिरिक्त 980 रुपये शाकाहारी थाली के लिए और 2,250 रुपये नॉनवेज थाली के लिए खर्च करना होगा। RBI के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष खेतिहर मजदूरों को औसत रोजाना 323.02 रुपया मिल जाता था। यदि वे महीने में 20 दिन काम करते तो उनकी मासिक कमाई लगभग 6,500 रुपये हो जाती। यदि किसी घर में 2 कमाने वाले सदस्य हैं तो वेतन का 78% हिस्सा महीने के लिए शाकाहारी थाली, दोपहर का भोजन और रात का खाना मिलाकर तैयार करने में खर्च होगा। इसके बाद कमाई का मात्र 22% बचेगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा, यात्रा और बिजली का खर्च जुड़ जाता है। ऐसे में परिवार को अपने रोजाना के भोजन की क्वालिटी और वैरायटी से समझौता करना होगा। परिवार के बजट को कंट्रोल में रखने के लिए भोजन के खर्चों में कटौती करनी होगी। कुल मिलाकर महंगाई आम लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी है। रही सही कसर इस साल कहीं बाढ़ कहीं सूखे के रूप में पड़ रही मौसम की चौतरफा मार ने पूरी कर दी है। सब्जियों और दालों की महंगाई के बाद अब गेहूं और चावल भी उबलने लगे हैं।
देश में 5 साल में सबसे कम स्तर पर आया चावल का स्टॉक परेशानी का सबक बनता जा रहा है, तो गेहूं के स्टॉक पर भी सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। देश के ज्यादातर राज्यों में इस बार बारिश 15% से लेकर 25% तक कम हुई है। इसके असर से फसलों की पैदावार घटने की आशंका है, इसलिए खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़े हैं। सबसे ज्यादा असर दालों पर पड़ा है, तुअर की दाल 37% तक महंगी हो गई है, तो चावल के दाम 9% तक बढ़ गए हैं। बेशक पिछले एक हफ्ते से कुछ राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन इससे भी हालात में खास सुधार नहीं होता दिख रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इसलिए महंगाई की दर 5.5% से नीचे बनाए रखने के लिए RBI को मुश्किलें आ रही हैं। भले ही सीजन में अनाजों का उत्पादन बढ़ने का अनुमान पेश किया गया है, लेकिन मौसम की मार से उत्पादन प्रभावित जरूर होगा। सोयाबीन के अलावा सभी तरह के खाद्यान्नों के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार के सेंट्रल पूल में 31 अगस्त को चावल का स्टॉक 2.43 करोड़ मीट्रिक टन था। ये अगस्त 2018 के बाद यानी 5 साल में सबसे कम है। अगस्त 2022 में स्टॉक 2.8 करोड़, अगस्त 2021 में 2.91 करोड़, अगस्त 2020 में 2.53 करोड़ और अगस्त 2019 में 2.75 करोड़ मीट्रिक टन था। केंद्र सरकार ने दाम स्थिर रखने के लिए चावल, दाल और चीनी के निर्यात पर रोक लगा रखी है। दालों की डिमांड पूरी करने के लिए आयात को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। सरकार ने खरीफ सीजन में 16 करोड़ मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान लगाया है। हालांकि ये तभी संभव है जब फसल को नुकसान न हो, लेकिन कम बारिश से नुकसान हो रहा है। एक महीने में गेहूं की कीमतों में लगभग 10% का उछाल दर्ज किया गया है। ऐसे में FCI जांच कर रहा है कि क्या आटा मिलों के पास घोषित मात्रा से अधिक गेहूं है या नहीं। बड़ी संख्या में आटा मिल मालिकों ने ET से पुष्टि की है कि FCI अधिकारी मिलों में रखे गेहूं के स्टॉक की जाँच कर रहे हैं। कोल में खाद के तौर पर यह महंगाई का वो खतरा है जो कि अगस्त में सूखे यानी मानसून की बेरुखी से फसल तबाह होने के बाद पैदा हो गया है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ये है कि पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ दलहन और तिलहन उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर रहने वाले राजस्थान के 20 से ज्यादा जिले में अकाल और सूखे की स्थिति है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार राजस्थान में मूंग की पैदावार 15 से 25%, मूंगफली की पैदावार 10 से 15% और कपास उत्पादन 25 से 30% से ज्यादा नहीं होगा। यही हाल मोठ, ग्वार और बाजरा के अलावा खरीफ की दूसरी फसलों का है। इससे जहां बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन घटेगा, वहीं अनाजों यानी उपज की क्वालिटी पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है। याद रहे कि उत्पादन बढ़ने घटने का सीधा संबंध जहां किसानों के नफे नुकसान से है, वहीं कम उत्पादन का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। कम उत्पादन से सप्लाई डिमांड बढ़ेगी, खर्चे की कैपेसिटी घटेगी, दामों में बढ़ोतरी यानी महंगाई और बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर इस सबका लब्बो लुभाव मोटा मोटा ये निकलता है कि महंगाई अपना सुरसा की तरह मुंह भी और फैलाएगी, जिसकी करा से आम जनता और परेशान होगी। इससे बचने का, निपटने का फिलहाल ना तो सरकार के पास कोई उपाय है, ना ही आम आदमी के पास। धन्यवाद।